बच्चों आपके स्क्रीन पर आपके व्याकरण की पुस्तक का ऊपरी भाग है, सरल हिंदी व्याकरण तथा रचना कोर्स बी है। इसमें 9th और 10th दोनों का है, जिसमें आप 9th में अपने पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपको आपके व्याकरण की लेसन के बारे में बताती हूँ। बच्चों व्यवहारिक व्याकरण क्लास 9 के लिए आपका पहला लेसन है वर्ण, वर्ण विच्छेद, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक और लुप्ता। बच्चों पहले क्लास में मैंने आपको वर्ण विचार के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हल चिन्ह यानी हलक चिन्ह, मात्राएं, स्वर और व्यंजन के भेद, इनके अलावा वर्ण विच्छेद मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। बच्चों आइए अब हम लोग पार्ट 1 के आगे भाग में पढ़ते हैं। बच्चों अब मैं आपके पहले अध्याय वर्ण, वर्ण विच्छेद, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता में वर्तनी पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आपको ये जानना जरूरी है कि वर्तनी कहते किसे। आपने वर्ण पढ़ा, वर्ण विच्छेद पढ़ा, स्वर्ण पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ लिया। बच्चों अब आपको ये जानना जरूरी है कि वर्तनी होती क्या है। बच्चों वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है वर्तन करना, अर्थात अनुकरण या अनुसरण करना। यह भाषा के उच्चारित रूप का अनुसरण करती है। भाषा के शुद्ध रूप के विस्तार वर्तनी के द्वारा ही होता है। प्रत्येक ध्वनियों को मिलाकर जो कि वर्ण चिन्ह होते हैं हम शुद्ध रूप से लिखने का प्रयत्न करते हैं, उन्हीं का संयोजन करके शब्द का रूप तैयार होता है। यही शब्द मौखिक भाषा का शुद्ध अनुसरण है जो हमारे सामने एक शुद्ध वर्तनी के रूप में आता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह ध्वनि व्यवस्था जो कि मौखिक भाषा का शुद्ध अनुसरण प्राप्त करता है वर्तनी कहलाता है। शब्द, वाक्य, अनुच्छेद सभी स्तर पर वर्तनी के शुद्ध प्रयोग की आवश्यकता रहती है। इस आवश्यकता के लिए ध्वनियों के चिन्ह नियमानुसार पहले से निर्धारित होते हैं और इन्हें हम संयुक्त चिन्ह या शब्द वर्तनी भी कहते हैं। यह वर्ण रूप मानक होता है। इसकी मानकता ही भाषा को एक रूपता प्रदान करती है। इसी कारण छ, त्र, ज, श को संयुक्त व्यंजन के रूप में हम लोग जानते हैं और र के स्थान पर छोटी उ और बड़ी उ की मात्रा के संयोग से जो निर्धारण किया जाता है वो र में अगर उ लगती है तो रू हो जाता है, जिसे हम रुपया में इस्तेमाल करते हैं, और र में अगर बड़ी उ लगती है तो वो रूमाल हो जाता है। ये दो उदाहरण आपके सामने वर्तनी के शुद्ध रूप को स्पष्ट करता है। इसके अलावा बच्चों व्यंजन के नियमों का भी निर्धारण वर्तनी के द्वारा होता है। जैसे गत्ता, यहाँ पर ता में त प्लस आ संयुक्त रूप है जो द्युत हो जाता है। उसी प्रकार मुन्ना में न और ना है, यहाँ पर मुन्ना लिखना गलत होगा। मुन्ना यानी म में छोटी की मात्रा में बिंदी लगाएंगे तो वो गलत होगा। इस प्रकार कच्चा, पक्का, धक्का, मुक्का इत्यादि शुद्ध वर्तनी के उदाहरण। बच्चों अब मैं आपको वर्तनी के विभिन्न रूपों के बारे में बताती हूँ। व्याकरण में वर्तनी के 3 रूप निर्धारित किए हैं। पहला वर्ण के स्तर पर, दूसरा शब्द के स्तर पर और तीसरा वाक्य के स्तर पर। सर्वप्रथम बच्चों में आपको पहला यानी क वर्ण के स्तर पर वर्तनी का निर्धारण किस प्रकार होता है बताती हूँ। वर्ण के आधार पर स्वर और व्यंजन में मात्राओं को व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे किसी भी व्यंजन वर्ण में मात्रा लगाना, यदि मात्रा सही लगाई गई है तो उसकी ध्वनि का उच्चारण भी सही होगा और उसका अर्थ भी सही प्राप्त होगा, अन्यथा ये अशुद्ध हो जाएगा। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की मात्रा निर्धारित होती है तो इन मात्राओं का विभिन्न रूप बदल जाता है। जैसे क, का, छोटी की, बड़ी की, छोटी को, बड़ी को, के, कै, को,
काओ, कंग और कह, ये सभी व्यंजन की मात्राएं को मात्रा के साथ लगाया गया। इसके अलावा यह वर्ण का संयुक्त रूप कहा जाता है। इन शब्द में श और व तथा श और थ में व्यंजन को मिलाया जाता है। प्रथम व्यंजन वर्ण में अगर किसी दूसरा व्यंजन वर्ण मिलाना अनिवार्य होता है। इसके मिलने से व्यंजनों में पाई को हटाकर उसमें जोड़ दिया जाता है, जैसे मक्का, पक्का, चक्का इत्यादि। बच्चों, अब मैं आपको वर्तनी के दूसरे रूप के बारे में बताती हूँ। शब्द के स्तर पर पहला आपने पढ़ा वर्ण के स्तर पर, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ शब्द के स्तर पर। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और शब्द को शुद्ध रूप में लिखने के लिए सबसे पहले शर्त ये होता है कि हम इसमें सभी ध्वनि चिन्हों को यथा अनुसार लिखें। शब्द के स्तर पर वर्तनी को अगर हम यथा स्थान पर लिखते हैं तभी हमारी वर्तनी शुद्ध कहलाएगी। इसके लिए व्याकरण में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। पहला, अनुस्वार और अनुनासिक दो ऐसे चिन्ह होते हैं जो शिरोरेखा के ऊपर अंकित किए जाते हैं, और इसका प्रयोग हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि अनुस्वार को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, दोनों के ध्वनि चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। अनुस्वार में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होता है, जबकि अनुनासिक के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। इन दोनों का प्रयोग शब्द के अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे हंस में अनुस्वार का प्रयोग होता है तो यह पक्षी के अर्थ को स्पष्ट करता है। अगर हंस में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो यहाँ पे हंसना क्रिया का प्रयोग होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। साथ में अनुनासिक चिन्ह का अगर हम प्रयोग करते हैं तब इसमें अर्ध चंद्र बिंदु और बिंदु भी लगाया जा सकता है, जैसे चोच, नील इत्यादि। बच्चों, दूसरा है, हिंदी में शब्द के साथ कुछ विसर्ग लिखे जाते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यो के त्यो हिंदी में आए, जैसे प्रायः, मनः, स्थिति, संभवता आदि। इस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और इसकी उच्चारण ध्वनि ह के समान सुनाई पड़ती है। आइए बच्चों, अब मैं आपको विसर्ग के तीसरे रूप के बारे में बताऊंगी। शब्द के अंत में जब या व की ध्वनि सुनाई देती है तो इसका अर्थ ये होता है कि ये मूल ध्वनि के अनुसार है। योजक चिन्ह बच्चों आप जानते हैं, जिसे हम हाइफन भी कहते हैं, ये आगत ध्वनियों को सुव्यवस्थित और समुचित रूप से लिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका गलत प्रयोग अर्थ को अशुद्ध कर देता है। आगत ध्वनियों जैसे आ, नुक्ता आदि का प्रयोग भी शब्द के अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे सदा, सजा को यदि हम सजा लिखते हैं तो इन दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। बच्चों, शिरोरेखा और वर्णों के मानक रूप का प्रयोग भी अनिवार्य होता है। बच्चों, अब मैं आपको वाक्य स्तर पर वर्तनी के तीसरे रूप के बारे में बता रही हूँ। इस स्तर पर वर्तनी में कुछ निम्नलिखित बातें हैं जिसे हम व्याकरण में ध्यान दे सकते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह अलग से लिखे जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग साथ में होता है। यदि क्रिया पदबंध से जुड़ा हुआ होता है तो ये अलग अलग लिखा जाता है। हिंदी में वाक्य स्तर पर शुद्ध प्रयोग करने के लिए विराम चिन्हों की मुख्य भूमिका होती है। अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा हिंदी लिखना गलत होगा। इसलिए व्याकरण में विराम चिन्हों का विशेष योगदान होता है। बच्चों, ये आज मैंने आपको वर्तनी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया है। अगली कक्षा में मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको बताऊंगी। आशा है आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा।